श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, जहां से शुरुआत होती है बच्चे के उज्जवल भविष्य की। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही परिवर्तन यात्रा आज फतेहाबाद के भट्टू कस्बे में पहुंची। यात्रा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर सहित बड़े नेता मौजूद रहे। कल हुए मिशन शक्ति पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा को निश्चय देते हुए कहा कि भाजपा को हर काम का श्रेय लेना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि असफलता देश के साइंसदानों की है, न कि भाजपा की। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि देश में सूरज निकलता है, चांद निकलता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह भाजपा का काम है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक देश के हैं, न किसी पार्टी के। उन्होंने कहा कि भाजपा को वो वायदे पूरे करने चाहिए जो जनता के साथ किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों के कारण आज देश में 4 करोड़ से अधिक रोजगार या नौकरियां समाप्त हो गई हैं, जो कि जीएसटी और नोटबंदी के फैसलों के कारण हुई है। ऐसे और भी फैसले हैं जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम पर तय बजट में 20% से अधिक बजट जाया गया है। आज प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, भाजपा ने क्या किया है? ये लोग तो केवल लूटने के लिए आए हैं और लूट रहे हैं और लूट कर चले जाएंगे। कल बीजेपी ने एक बड़ी घोषणा के रूप में अंतरिक्ष को सैटेलाइट का इस्तेमाल कराने का किया है, क्या लग रहा है आपको? चुनावी एजेंडा बताया गया है ये बताना मैं चाहूँगा, ये बीजेपी ने नहीं किया, ये हमारे साइंसदानों ने किया। बीजेपी और साइंसदान एक नहीं, साइंसदान हमारे देश के हैं और इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। जो कुछ भी आज हो रहा, जितने के साइंस बने हैं बनाए जा रहे हैं और जो कि आकाश में जा रहा, ये सब इसकी बुनियाद कांग्रेस के शासन में हुई, पंडित नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में। और जब कार्यक्रम शुरू होता है वो हर साल होता है, फिर कोई सरकार बने या किसी की सरकार बने उससे उसका क्या लेना देना। इंदिरा गांधी के वक्त में तो चांद पे विष्णु शर्मा उतरे थे, तो उसका मतलब थोड़ी है कि वो कांग्रेस पार्टी ने किया, हमारे साइंसदानों ने किया। इसलिए हर चीज़ का सुबह सूरज निकले तो वो बीजेपी की वजह से निकला, और रात को चांद निकले वो बीजेपी की वजह से निकला। तारे रात को ज़्यादा चमक रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार में ज़्यादा चमक रहे हैं। बीजेपी को अपनी दुकान बंद करनी चाहिए, हर चीज़ के लिए क्रेडिट लेना बंद करना चाहिए। मोदी जी ने जो वादे किए थे, बीजेपी ने जो वादे किए थे इलेक्शन जीतने के लिए 2014 में, उनके बारे में चर्चा करें। इन चीज़ों से जो साइंसदान हमारे करते हैं, हमारे फौजी करते हैं, ये उनकी ताकत है, उनकी क्षमता है, उनको बधाई देने जा रहे हैं। और फौज और साइंसदान किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो देश के होते हैं। इनको जो पार्टी के नाम पे करना था वो विदेश से काला धन लाना था, एक नया पैसा नहीं लाया, बल्कि देश से जो असली सफ़ेद धन था उनको अपने हवारी मवारी अपने जान पहचान के लोग के द्वारा उनको विदेश भेज दिया और लूट लिया उन्होंने देश को। इन्होंने 10 करोड़ रुपए जवाब देने की बात की थी, 10 करोड़ में एक 10 लाख लोगों को भी जवाब नहीं दिया, बल्कि जिन लोगों के पास नौकरी थी रोजगार था, इनके गलत नीतियों की, मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से वो इनकी व्यक्तिगत नीति थी, वो सरकार की नीति, कैबिनेट की भी नीति, पार्टी की नीति, वो इनकी अहंकार था अपना नोटबंदी करना, और नोटबंदी करने से और जीएसटी से ही 4 करोड़ 73 लाख नौकरियां रोजगार चले गए। किसानों के साथ अत्याचार हुआ, किसान इनके वक्त में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर दी, इनके वक्त में सबसे ज़्यादा इन्होंने कार्यक्रम रखा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इनके वक्त में जो बेटियों के पढ़ाने की जो बजट था हर साल 20% वो ज़ाया होगा, इस्तेमाल ही नहीं हो, और इनके वक्त में बेटियां सबसे ज़्यादा असुरक्षित रही। इनके वक्त में 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल बच्ची का बलात्कार हुआ, उन पे जवाब दें। ये तारे यहाँ से उतर गया, साइंसदान ने ये किया, फौज ने ये किया, एयरफोर्स ने किया, उसका क्या लेना देना? इसने थोड़ी वादा किया था कि मैं ये बनाऊंगा, इसने जो वादा किया था उस पर आ जाए और उस पर इलेक्शन लड़े।
बीजेपी ने जैसे राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया, भारतीय जनता पार्टी एबीसी राष्ट्रवाद का जानता है, इनका कोई फ्रीडम फाइटर रहा है? एक फ्रीडम फाइटर का नाम है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किसे मिल रहा है? किसी के लिए मुझे उनका बलिदान दिया ना? सारी कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी से लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर, मौलाना आजाद से लेकर, सरदार पटेल से लेकर, ये सब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ये सब कई कई साल, 15-15, 20-20 साल जेलों में रहे हैं, लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं। इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन का बलिदान दिया, इंदिरा गांधी का बलिदान दिया, राजीव गांधी ने बलिदान दिया, सरदार बहन सिंह ने बलिदान दिया। इनका कोई चूहा, इनको कोई चोट, इनको मच्छर ने भी काटा है? एक नकली ये स्लोगन देते हैं। अगर इस देश के साथ किसी का प्रेम है वो है कांग्रेस पार्टी, और इस देश को बनाने में और देश को आज़ाद कराने में अगर किसी का जरूर रहा है वो कांग्रेस पार्टी का। इनका तो कुछ लेना, ये तो लूटने आए हैं और लूट रहे हैं और लूट के जाएंगे। सर, हरियाणा के उम्मीदवारों की कब तक घोषणा हो जाएगी? सर, मोटे मोटे उम्मीदवार तो सब नहीं है जिनको मालूम है। अब यहाँ से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी चल रहे हैं आप सिरसा, तो हमारे अशोक तंवर जी पहले ही कैंडिडेट थे और बाकी बरीफ कर देते सर तकरीबन 6-7 कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पहले ही कैंडिडेट है, उनमें तो कोई चेंज नहीं आनी है, 2-3 जगह देखना है, वो कर लेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की 70,000 की स्कीम साफ नहीं आ रही है, कह रहे हैं कि इससे देश का वजन गड़बड़ा जाएगा। उनसे क्या लेना है, वो हमने देश जब चलाएंगे वो चलाएं, हम थोड़ी मोदी हैं कि हमको देश चलाना नहीं आता, उनको विदेश घूमना आता है, हमको देश चलाना आता है। आखिरी सवाल सर, कांग्रेस कितनी सीटें निकाल पाएंगी देश में? देश में सरकार बनाने के लिए जितनी जरूरी है उतनी बनाए। गठबंधन की तरफ थोड़ी तरह से कौन कौन सी पार्टी? गठबंधन में हमारे पहले ही से मायावती, अखिलेश गठबंधन तैयार है सर। जो भी देश की एकता, अखंडता और देश के भाईचारे में और देश के सिक्योरिटी में विश्वास करते हैं वो सब आ जाए। सर, दिल्ली में आप पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है, कब तक सर ये हो जाएगा? सब यही है कि कई पार्टियों से हमें गठबंधन हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, केरला में तो पहले से ही है, बिहार में हो गया, कई जगह झारखंड में हो गया, ये तमाम बड़ी मोटी मोटी जगह हैं जहाँ श्री कृष्णा स्कूल ने दिए हैं बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सैनिक, वैज्ञानिक, अध्यापक और इसके साथ साथ ही प्रशिक्षित कोच और बेहतरीन खेल सुविधाएं। श्री कृष्ण स्कूल है महेंद्रगढ़ का एकमात्र सेल स्मार्ट स्कूल। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो आइए हमारे साथ एक नई शुरुआत के लिए श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें 9017111100, 9416704560। हमारी वेबसाइट है www.sks.edu.in।